और उन्होंने मुझे ये बताया कि इस आश्रम का एक पुस्तिका का निर्माण कर रहे हैं आप, मतलब उस पुस्तिका को आप बना रहे हैं जिससे कि बहुत लोग उसके बारे में जाने। तो विस्तार से हम जानना चाहेंगे कि उसमें क्या क्या चीज़ आप दिखा रहे हैं और क्या है उस आश्रम का उद्देश्य। एक्चुअली इसमें माया प्रसाद जी ने सभी कुछ आपको बता दिया है, क्योंकि मैं भी खुद उनका बहुत बड़ा एक फैन है, फैन सेवक हूँ, क्योंकि उनसे उनकी एक कल्पना, एक सोच, एक अलग विचार है। मैंने आजकल के जीवन में इस 30 साल से मैं इस इंडस्ट्री में हूँ, मैंने इतना सात्विक और एक शुद्ध विचार वाला इंसान मेरे जीवन में, ऐसे विचार सात्विक सब कुछ होते हुए जीवन का एक अमूल्य जीवन एक अमूल्य है, और उसको किस रूप में इंसान को जीना है, जैसे उन्होंने अपने पूरा बताया कि बाल्यकाल है, यौवन है, आपका कर्म है, वृद्धावस्था है, तो उसी को उन्होंने कन्वर्ट किया है एक पुस्तिका में, जिसका जो आश्रम है कल्तरु, उसमें ये नदी के किनारे गंग नहर हरिद्वार के किनारे, वहाँ से करीब गाजियाबाद से कितना दूर है सही? गाजियाबाद से करीब 7-8 किलोमीटर गंग नहर है, और गंग नहर से मात्र 3-4 किलोमीटर ही आगे बिल्कुल हरियाली वातावरण में आप जैसे जाओगे देखते ही मुग्ध हो जाओगे। पूरा एक करीब 15-20 बीघे में पूरी बिल्डिंग बनी हुई है, जिसमें सारी सुविधाएं, एक 5-स्टार की सुविधाएं, एक गांव की सुविधाएं, मतलब दोनों का संगम, अमल का मिशन मैंने पहली बार देखा आश्रम में। आश्रम मैंने बहुत देखे हैं, लेकिन जहाँ 5-स्टार की भी सुविधा है तो वहाँ नेचुरोपैथी की भी सुविधा है, वहाँ पर अगर सब्जी उगाने की सुविधा है तो वहाँ पर फलों की भी सुविधा है, वहाँ पर अगर स्विमिंग पूल है तो वहाँ नेचुरोपैथी भी है, तो वहाँ पर हर तरह की पुस्तकालय है, डॉक्टरों का इंतजाम 24 आवर्स डॉक्टरों का इंतजाम है, एक बहुत बड़ी आधुनिक कैंटीन है वहाँ, मतलब भोजनालय जहाँ सात्विक शुद्ध एकदम भोजन मिलेगा, 24 घंटे एक डॉक्टरी सुविधा है, और तो और वहाँ पर गौशाला, आप ऐसी गौ देखोगे तो आपको देख के आनंद आ जाएगा, मतलब वहाँ स्वयं गौशाला का भी वहाँ प्रबंध है। तो एक जैसे जीवन की एक जरूरत है कि शुरू से लेके लग्जरी से लेके गांव के वातावरण, सुबह के वातावरण, दिन का वातावरण, रात का वातावरण, शाम का वातावरण, तो सारे वातावरण को मिला के 24 घंटे के हिसाब से ये कल्पतरु आश्रम संभव किया गया है। इसकी मुख्य प्रश्न एक फोटो के रूप में मैं एक ब्रोशर का इसका फ्रंट आपको एक दिखाता हूँ मात्र अभी, ये इसका फ्रंट थोड़ा सा मैं डेवलप किया है कि जीवन अमूल्य है, इसके रहन सहन का एक सुंदर तरीका कैसे हो, मतलब एक जब जीवन में निराशा आ जाती है तो उसमें संचार देने का काम ही करेगा ये आश्रम, राइट, उसमें संचार देने का ये आश्रम काम करेगा, ये आश्रम काम करेगा जब इंसान वृद्ध हो जाता है। नहीं खाली वृद्धि नहीं, इसमें बच्चे भी आके मेडिटेशन कर सकते हैं, युवा भी आके मेडिटेशन कर सकते हैं, वृद्ध आश्रम रह के जो थोड़े से एकाकीपन में आजकल महसूस करते हैं वो वहाँ पे आके अपनी खुशियों का संसार एक अलग बसा सकते हैं, क्योंकि यहाँ बाहर से भी NRI के लोग भी आएंगे, लोकल भी लोग आते हैं, तो एक परिवार बन जाता है। परिवार क्या है, जहाँ 10-5 लोग रहते हैं वो परिवार बन जाता है। जब यहाँ अकेलेपन से दूर आदमी आश्रम में आकर रहेगा और दोस्त यार बनेंगे तो परिवार बन जाएगा, और परिवार बनने के साथ ही उनका एकाकीपन वो ऑटोमेटिकली दूर हो जाएगा, और खुशियों से संसार से वो ऑटोमेटिकली जुड़ जाएंगे। तो इस दिशा में जो माया प्रकाश जी का कार्य काफी सराहनीय है, ये बहुत ही सराहनीय कार्य है मेरे हिसाब से। तो NCR में ऐसा कोई आश्रम, हाँ वेस्टर्न UP में मैंने ऐसा कोई इतना अच्छा एक आश्रम मतलब मेरी नॉलेज में शायद नहीं है, क्योंकि जिस सोच के साथ ये बनाया गया है, इस विचार के साथ बनाया गया है, ये वाकई में ही काबिल तारीफ है। कुछ और करना चाहेंगे आप माया प्रकाश जी के बारे में या इस आश्रम के बारे में? कुछ और बताना चाहेंगे माया प्रकाश जी के बारे में? माया प्रसाद जी के मैं दिल की आपको एक बात बताता हूँ कि सामाजिक भी राजनीतिक भी शहर से 30-35-40 साल से मैं जुड़ा हुआ हूँ, मतलब विधायक सांसद सब चीज़ें जानकारी में रहती है, लेकिन मेरा मन जो कहता है कि जो सबसे उपयुक्त आदमी है, जो संसार में जिसकी कोई इच्छा नहीं है, मतलब सामाजिक शक्ति, सामाजिक जो है कार्य है, सामाजिक सेवा, आर्य समाज, लोगों को ज्ञान देना, ध्यान देना, ठीक, जो ये कार्य करते हैं, तो इसी से ही राजनीति में इसकी प्रवेश की बहुत सख्त आवश्यकता है आज के दौर में।
जहाँ पैसा धन बल राजनीति बिल्कुल जीरो हो चुकी है। मेरा मानना है कोई ना कोई तो आदमी इस प्रेरणा का जब तक इस क्षेत्र में कदम नहीं रखेगा, हो सकता है उनकी आयु के अनुसार वो ज्यादा समय नहीं दे पाएंगे, लेकिन एक शुरुआत ही बहुत बड़ी शुरुआत है। जब सामाजिक क्षेत्र में इस टाइप के लोग, माया प्रसाद जी ऐसे लोग, वो निरंतर लोग अपनी पार्टी में लेके आएंगे तो वहां अपने आप ही चेंज हो जाएगा। तो इस तरह के कार्य के लिए हाँ दिली चाहे वो बधाई के पात्र है, बधाई के पात्र है, मैं कह रहा हूँ वो बहुत चीजों के पात्र है। सच्ची ज्ञान, सच्ची सेवा, लोगों को संस्कार, ऐसे मात्र लोगों से मिलेगा। दुनिया तो पैसे से पहले ही लबदब है, उस पैसे का सामाजिक यूज करना भी तो एक कला है। जो कला जाना है, जिनने अपने आप में पिरोया है, वही आगे उसको बता सकता है। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू।